मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अध्ययन किया था, और उससे रिलेटेड हम बिल्कुल बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके आज हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर जो बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? अब बोल रहे हैं कि जो सेरेमनीज होती हैं वो कहाँ पर, जो भी क्या कहते हैं उत्सव होते हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं? क्या तुम्हें कोई ऐसी बिल्डिंग के बारे में, भारत की किसी ऐसी बिल्डिंग के बारे में मालूम है जो किससे बनी हो? सैंडस्टोन से बनी हो। सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर। आंसर देखें, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, इट वॉज परफॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया आर द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस एटसेट्रा। अब वो क्या बोल रहा है कि ये वाले जो सेरेमनी, जो उत्सव था नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर के रिलेटेड, वो कहाँ हुआ था? तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, वहां पर सैंडस्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर जिसका कहाँ था, यूनियन बिल्डिंग के अंदर था, जो कि कहाँ स्थित था, प्रिटोरिया में स्थित था। यानी प्रिटोरिया के अंतर्गत यूनियन बिल्डिंग में बने एम्पी थिएटर में वो सेरेमनी संपन्न हुई। बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया आर, और भारत में जो सैंडस्टोन से बनी इमारतें हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें से कुछ है, पहला द रेड फोर्ट यानी लाल किला, जामा मस्जिद और पार्लियामेंट हाउस यानी संसद भवन। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो किससे बनी हुई हैं? सैंडस्टोन से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, कैन यू से हाउ 10th मे इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? तुम कैसे कह सकते हो कि 10 मई जो थी वो साउथ अफ्रीका के लिए कैसा था, एक बसंत का मौसम था, ऑटम डे था? आंसर, इट इज बिकॉज ऑफ वेदर एंड द डाउनिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, इट इज एन इम्पॉर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका। वो क्या बोलते हैं, हम इसलिए इसको ऐसा बोल सकते हैं ऑटम डे, क्योंकि क्या था, वहां का जो वेदर था उस दिन बड़ा सुहाना था, और 300 सालों की श्वेत शासकों के बाद में ये आजादी उस साउथ अफ्रीका को मिली हुई थी, इसलिए ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? अब यहाँ पर जब मंडेला जी ने अपनी स्पीच यानी अपनी उद्बोधन शुरू किया था, तो उन्होंने कहा था an extraordinary human disaster, यानी मानव का अति ज्यादा अपव्यय करने वाला डिजास्टर, और लास्ट में उन्होंने कहा glorious human achievement। ये क्यों उनने ऐसा कहा? आंसर देखें, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बाय दिस मंडेला मीन्स द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक्स। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोलने का मंडेला का मतलब क्या था कि सफेद यानी श्वेत शासकों का रूल किसके ऊपर, अश्वेत लोगों के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा भयावह रहा है। इट लास्टेड वेरी लॉन्ग, जो कि बहुत लंबा चला। It was really a disaster of white men ruling over the black. और ये सच में एक डिजास्टर की तरह था कि श्वेत लोगों का शासन अश्वेत लोगों के ऊपर चला। At the end he says, और अंत में वो कहते हैं, glorious human achievement, which means getting political independence from the white rule by the blacks. इसका मतलब हुआ कि पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई किसको, अश्वेत लोगों को, श्वेत शासकों के रूल से, कठोर नियमों से अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
Question number four. What was Mandela thanked the international leaders for? Mandela ने जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उनको क्यों धन्यवाद दिया, कैसे दिया? Mandela thanked the international leader for coming to take possession with the native people of South Africa. He says it is a common victory for justice, peace and human dignity. Mandela ने सभी लोगों को, जो भी अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग वहां पर आए थे, उन सबको धन्यवाद दिया कि उन्होंने आके यहाँ पर क्या किया, साउथ अफ्रीका के लोगों को ज्वाइन किया, उनका समय दिया उनको अपना, और उन्होंने कहा कि ये एक कॉमन यानी कि सभी लोगों की सामान्य विजय है, सभी लोगों की विजय है. किस चीज के लिए? न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव डिग्निटी के लिए, मनुष्य के अस्तित्व के लिए. क्वेश्चन नंबर फाइव. What ideals does he set out for the future of South Africa? South Africa के भविष्य में वे कौन कौन से, किन किन आदेशों को, किन किन चीजों को लाना चाहेंगे? He sets out the ideals of liberating his people from various bondages. These were of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वो चाहते थे कि एक ऐसा आदर्श बनाए साउथ अफ्रीका को भविष्य के लिए कि हर प्रकार के बंधनों से मुक्त, जहाँ पर गरीबी, जहाँ पर भेदभाव, जहाँ पर शोषण और उस चीज का सफरिंग होना, यानी उस चीज से गुजरना, उनको लिंग भेद और अलग प्रकार के जो भेदभाव, जो चाहे रंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या अमीरी गरीबी के आधार पर हो, इन सबको वो समाप्त करना चाहते हैं. तो बच्चे ये थे पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप है. आप इनको नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद करें. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थैंक यू.